शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे बैठे हुए सारे स्टेज पे जो भी शख्सियत हैं उनके सामने मैं बोलना तो बनता नहीं क्योंकि मुझे इतना अच्छा बोलने नहीं आता है। मैं सिर्फ अपने टॉपिक से रिलेटेड बोल सकती हूँ। जैसा मैडम ने अभी बोल के गए कि हमको एक मिसाल बनना है, तो यहाँ का मैंने स्कूल में काफ़ी बार आ चुकी हूँ मैं और बहुत अच्छे से इंतज़ाम, मतलब मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, टीचिंग स्टाफ और बच्चियाँ तो काफ़ी अच्छी माशाल्लाह। तो मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि आप एक मिसाल बने ताकि आपको देख के आगे के लोग भी उस तरफ जाने की कोशिश करें। मैडम ने जैसा बताया वो तो मेरे से भी यंग है शायद मैडम। हम उस ज़माने में जब मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो हम एक रात के लिए भी घर से मैं कभी बाहर रही नहीं, ना कभी चाचा पुप्पी खाला नानी कुछ नहीं, डायरेक्ट हॉस्टल गई थी। तो जाते हुए मुझे अब्बा ने सिर्फ एक ही चीज़ बोले थे कि बेटा तुम जा रहे हो तो दूसरों के लिए आगे रास्ता खुला रखना। तो मैं उस पर उतरने की पूरी कोशिश की हूँ और आप सब भी इसी तरह कोशिश करिए कि हम जो यकीन और भरोसे से हमारे माँ बाप हमको आगे पढ़ने के लिए भेजते हैं तो हम उस यकीन को कायम रखें और हमारे आगे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम एक मिसाल बने ताकि उनके लिए भी वो रास्ता खुला रहे। यही कोशिश करना चाहिए हमको। अब मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड बोलना चाहूँगी। जैसे अभी मैडम ने काफ़ी अच्छी तकरीर की है कि माँ के कदमों तले जन्नत है और माँ का कितना हक है हमारे ऊपर कि हमको माँ को 3 बार हमको माँ को देखना है, उसके बाद में वालिद का दर्जा आता है। तो जब एक औरत माँ बनती है तो उसके लिए कितनी मतलब वो 9 महीना कितना कुछ सोचती होगी कि मैं मेरा बच्चा दुनिया में आएगा तो मैं उसके लिए ये करूँगी वो करूँगी। लेकिन बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि भिवंडी में आज भी 20% से ज़्यादा होम डिलीवरीज हो रही हैं और आज भी एक माँ मरती है, जबकि वो इस ख्वाब ख्याल में रहती कि मैं आगे उस बच्चे के लिए मैं ऐसी परवरिश करूँगी या वो बच्चा भी ज़िंदगी से चला जाता है। ज़्यादातर जो दाइयों के पास या होम डिलीवरी में डिलीवरीज होती है उसमें या तो माँ मर जाती है या बच्चा, तो वो बच्चा तो अभी दुनिया भी नहीं देखा है तो उसकी मौत हम टाल सकते हैं या उस औरत की मौत को हम टाल सकते हैं अगर हम इस एज से, जो एज में आप हैं उस एज से अगर हम अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे अभी सारी लड़कियाँ हैं बैठी हुई तो हमारे बच्चियों में जो एनीमिया का बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तादाद ज़्यादा है क्योंकि लड़कों में नहीं होती, लड़कियाँ भी आप काफ़ी सब लोग एडोलसेंट एज में आ चुके हैं तो हमारे अंदर जो रिप्रोडक्टिव एज की वजह से जो आगे नशोनुमा होनी चाहिए उसके लिए जितना हमको हीमोग्लोबिन लगता है काफ़ी उससे कम रहता है। जबकि गवर्नमेंट की एक स्कीम है अनीमिया मुक्त भारत जिसके तहत हम स्कूल्स में पहले तो बच्चों का डीवर्मिंग करते हैं हर 6 महीने में, उसके बाद में बच्चों को हफ्ते में 2 बार गोली दी जाती है ताकि वो एनीमिक ना हो। हफ्ते में 2 बार टीचर अपने सामने वो गोलियां खिलाती है ताकि वो बच्चियां या बच्चे सबको दिया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को, ताकि वो बच्चों को एनीमिया ना हो सके। और अगर होता है तो उसकी बाकायदा थेरेपेटिक डोज चालू होता है जो कि उसके लिए ज़रूरी होता है डेली डोज, वरना जो हम लोग इसके लिए देते हैं प्रिकॉशन के लिए वो हफ्ते में 2 ही बार रहता है। तो मुझे लगता है कि स्कूल में भी अप्रोच हुआ होगा शायद यहाँ पे भी। तो अगर आपके पास अभी पेरेंट्स हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, टीचर्स बैठे हुए कि पेरेंट्स बैठे हैं, पेरेंट्स भी हैं सब हैं, तो मेरे कम से कम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब स्कूल आपसे कुछ चीज़ के लिए परमिशन मांगती है, पहले तो हम जब छोटे थे तो कोई परमिशन नहीं मांगता था, टेटनस का इंजेक्शन हमको ऐसे ही लग जाता था, ये जब से परमिशन मांगने का और लोगों को बताने का अवेयरनेस क्रिएट करने का सिस्टम शुरू हुआ है उसका बहुत सारा डिसएडवांटेज हो गया है। पेरेंट्स बोलते नहीं हमको देने की ज़रूरत नहीं, हम प्राइवेट में देंगे। जो गवर्नमेंट स्कीम अगर हमारे अच्छाई के लिए बना रही तो उनको हमको ज़रूर अपनाना चाहिए। अगर वो 2 हफ्ते में 2 गोली बच्ची खा रही है, वो गोली हर एक को दी जाती है, यही गोली दूसरी स्कूल में दी जाएगी, यही गोली कॉरपोरेशन के स्कूल में दी जा रही है, ग्रामीण में भी वही दे रहे हैं, हम अपने प्राइवेट स्कूल्स में भी वही दे रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। आपकी टीचर आपको दवा खिलाएगी सामने, आपको रिसेस के बाद अगर आप थोड़ा बहुत जो भी टिफिन खा लें उसके बाद वो गोली देना है। 2 गोली हफ्ते में खाने में क्या प्रॉब्लम है, हम चलते फिरते कितनी दवाइयाँ खाते, कितनी पेपरमेंट्स खाते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट पता है कि खट्टी है तो गला पकड़ेगा, किसी से दांत दुखता है तो वो हम खा लेते हैं, लेकिन ये गोली के लिए। तो अगर इसमें पेरेंट्स हैं या बच्चियाँ कम से कम अपने घरों में जाके बताएं कि जो भी स्कीम अगर आती है गवर्नमेंट की तो उसको हमें अपनाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही है। हर चीज़ को हम मुखालफत करके नहीं चलता,
और जैसे ये एज में अगर हमारे बच्चियों का अनीमिया नहीं होगा तो आगे जाके वो एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकती हैं, उनकी नशोनुमा अच्छी होगी तो वो आगे के लिए एक अच्छी बेहतर माँ बन सकती है। और जो हम मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रोकना चाह रहे हैं उसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि एक विशियस साइकिल होता है, अगर कमज़ोर माँ है तो कमज़ोर बच्चे को जन्म देगी, फिर वो कमज़ोर बच्ची फिर आगे जाके उसको तकलीफ होगी। तो हमें इस साइकिल को तोड़ना है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसके लिए। और टीबी के लिए भी जैसे मैं काम कर रही हूँ तो देखने में यही आता है, अभी इस टाइम का सबने बहुत कुछ बोले है वुमेंस डे के लिए, वुमेंस डे में इक्वालिटी इस टाइम का क्या है उसका थीम, एम्ब्रेस इक्विटी। इक्वालिटी तो हम करते हैं, इक्विटी मतलब हमको क्या ज़रूरत है। अगर हम देखेंगे तो भिवंडी में बाकी जगह का उल्टा हो रहा है, भिवंडी में टीबी पेशेंट मेल फीमेल का रेशो फीमेल में ज़्यादा है और एमडीआर के बच्चे इसी उम्र की बच्चियां हैं। अब उसका रीज़न हमको सोचना है कहाँ हम कम पढ़ रहे हैं, क्यों होता है टीबी। एक तो हमारे बच्चों के अंदर इम्यूनिटी कम है, अंडरवेट है, एनीमिक है, इसी वजह से। तो हमको इस एज में बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि वो इन बीमारियों से बच सके। कहीं ना कहीं हम फीमेल ही, अब ये बच्चे जो माँ बाप देख रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अभी भी सब जगह इक्वालिटी इक्विटी बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत अभी भी बच्चों को उनकी नशोनुमा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से एमडीआर पेशेंट और जो भी टीबी के पेशेंट उसमें फीमेल में रेशो ज़्यादा और इस उम्र में ज़्यादा है। तो हमको ध्यान देना है अपने बच्चियों पे, उनकी नशोनुमा पे। और बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि घर का बना हुआ टिफ़िन लाएँ साथ में, बाकी आपको जो खाना है खाएं, खाली पेट घर से नहीं आना है, क्योंकि अगर खाली पेट आएंगे और कोई एक बच्चे को बीमारी रहेगी वो छींकने खांसने से 10-15 लोगों को वो बीमारी दे सकता है। तो आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। शुक्रिया।